तो कैसन बा, अभी अभी जस्ट मैंने 83 नाम की मूवी देख के खत्म करी, और इस मूवी को लेकर के मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि भैंचुद हमारी जनरेशन ने 83 वाला वर्ल्ड कप नहीं देखा था। हम लोगों ने सिर्फ आर्टिकल्स में पढ़ा था, न्यूज में हमने देखा था कि भैया 83 में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। और अब जब हम लोगों को मौका मिलता है कि भैया 83 वर्ल्ड कप को दोबारा देख सकते हो, वो भी कलर स्क्रीन के साथ में बड़े पर्दे के ऊपर, तो काहे नहीं जाएंगे देखने के लिए, जिसको सिर्फ आप देख के एंजॉय कर सकते हो, सट्टा नहीं लगा सकते हो। साक्षात 83 के वर्ल्ड कप का दर्शन तो होगा ही, साथ में चटपटा मसाला भी देखने को मिलेगा, तो मूवी तो देखने जाएगी पब्लिक। और ऐसा नहीं है कि मूवी 83 के वर्ल्ड कप के ऊपर बनी हुई है तो इसी के लिए मूवी पब्लिक देखने जाएगी, मूवी वाकई में बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात है जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा बुरी लगी है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बहुत बुरा लगा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि भैंचो मूवी के रिलीज होने से पहले ही यूट्यूब के ऊपर मूवी के रिव्यू आ चुके थे। अनुपमा चोपड़ा, कोमल नाटा या फिर लल्लन टॉप, जितने भी ये जो पैसा लेकर के रिव्यू करते हैं ना, इन लोगों ने पहले ही रिव्यू डाल दी थे। कहा है क्योंकि कबीर खान को अपनी मूवी पे भरोसा नहीं था। कहीं ना कहीं कबीर खान के दिमाग में ऐसा चला होगा कि भैया स्पाइडरमैन नो वे होम लगी हुई है, साथ में पुष्पा लगी हुई है, स्क्रीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसे टाइम में पब्लिक को घर से कैसे निकाले, कैसे उनको सिनेमा हॉल में बुलाए। और अगर ये मूवी लोगों को पसंद नहीं आती है तो यूट्यूबर वीडियो बना बनाकर ले लेंगे, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही ये जो पैसा लेकर के रिव्यू करने वाले लोग हैं उनको बुला करके मूवी दिखा दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया है, आपको साक्षात एक्सपीरियंस होता है 83 के वर्ल्ड कप का। ऐसा लगेगा नहीं कि सिनेमा घर में बैठे हो, ऐसा लगेगा कि लाइव मैच चल रहा है। लेकिन ये जो मूवी उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी बढ़िया बनी है, तो ये जो पैसे लेकर के इन्होंने रिव्यू बनवाए हैं, लोगों को दिखाया है लल्लन टॉप, अनुपमा चोपड़ा या फिर कोमल नाटा जैसे फेक रिव्यूअर्स को, फिर क्या पब्लिक के साथ सही तरीके से जस्टिफाई होता? काफी सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे कमेंट करने वाले हैं कि भैया अगर किसी ने इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही रिव्यू कर दिया तो तेरे पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है। तो ये जो आग खाली मेरे पिछवाड़े में नहीं लगी है, बाकी सभी रिव्यूअर के पिछवाड़े में लगने वाली है। भैया एक धंधा है हमारा, वो भी तो हमसे छीन लो। बेवकूफ नहीं है हम लोग को समझ में आता है कि मूवी को रिलीज करने से पहले क्रिटिक्स को दिखाई जाती है, लेकिन क्रिटिक्स इस तरीके से मुंह खोल करके रिव्यू नहीं करते जिस तरीके की रिव्यू 83 के हमको प्री रिलीज से पहले ही देखने को मिल गए। खैर छोड़ो, मैं इस टॉपिक को राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये सही नहीं हुआ। अब इतनी बकचोदी के बाद फाइनली मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी जो है वो आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने वाली है, जिसके अंदर आपको हर एक कैरेक्टर की वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। हाँ, अगर दीपिका पादुकोण कपिल देव की वाइफ का रोल प्ले नहीं भी करती तो चल सकता था, लेकिन दीपिका पादुकोण है, उनको रणवीर सिंह के साथ में देखने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल है। मूवी के टीजर और ट्रेलर को देखने के बाद में मेरे को समझ में आ गया था कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद में ये जो मूवी है ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक लैंडमार्क बनने वाली है। और इस मूवी के अंदर जब आप रणवीर सिंह को देखोगे, वो भी उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ में, भाई मजा आ जाता है। रणवीर सिंह को देख करके आप कह सकते हो कि यार ये बंदा कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, सिवाय डबिंग को छोड़ के। डेडपूल 2 के अंदर बहुत घटिया डबिंग करी थी भाई। ओवरऑल 83 कोई मूवी नहीं है, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको हार्डली रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को पायरेसी करके मत देखना भाई। इसको देखने के लिए आपको सिनेमा घर में जाना ही पड़ेगा। और इस मूवी में ऐसा कुछ खास है नहीं स्टोरी को लेकर के जो आपको कोई पहले से स्पॉइल कर देगा। इसकी स्टोरी के बारे में हर किसी को पता है, तो स्पॉइल करने जैसा कुछ है नहीं। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये जो मूवी है आप सिनेमा घर में जाकर के देखो, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये मूवी को देखने टाइम पे आपको फील नहीं आने वाला कि आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि लाइव मैच चल रहा है। तो ओवरऑल 83 मूवी मुझको पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आप लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देखी खत्म कर डाला तो मुझे कमेंट करके बताना, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आता है वीडियो को लाइक मार के जाना। चैनल पे आ गए हो तो मेक श्योर में जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ वो लाल नहीं होना चाहिए, उसको ग्रे कर डालो जैसा कि मेरा बैकग्राउंड है। साथ में बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर ही लेना। और अगर चाहते हो कि भैया ये वीडियो आगे तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।